Hello students, this is part 3 of chapter 1st. In this video, we will solve remaining questions of exercise 1st. We will start from question number 7. Fill in the blanks. यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लैंक्स फिल करने हैं. तो हम यहाँ पे देखेंगे, आपको वैल्यू दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन में -13 + 27 - 41 = -13 + 27 + यहाँ पे एक वैल्यू आपको फिल करनी है. तो हमने प्रीवियस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी इंटीजर्स की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो हमारा एसोसिएटिव लॉ हो रहा है, जो कुछ इस तरह से होता है. ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. मीन्स अगर हम इनका ए बी सी जो तीन नंबर गिवे हैं उनका सीरियल चेंज कर दें तो भी उनका जो सम रहेगा वो इक्वल रहेगा. वैसे ही हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, देखिए ए की वैल्यू -13 है, बी की वैल्यू 27 है, सी की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पे -41 फिल कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 2 सेम है. यहाँ पे देखेंगे -26 -49 -83 है, जो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं दे रखा है, यानी एसोसिएटिव लॉ हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पे -83 फिल करना पड़ेगा. अगले क्वेश्चन में देखेंगे थर्ड. यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मैं दो वैल्यू दे रखी है, 53 + -37 = -37 + वैल्यू नहीं दे रखी है, इसे ही हमें फिल करना है. तो हमने एक लॉ पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ, जहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, यानी कोई दो नंबर अगर हमें गिवेन है और हम उनका सीरियल चेंज कर दें तो भी इनका सम जो रहता है वो इक्वल रहता है. तो यहाँ पे 53 है, यहाँ 53 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 53 फिल कर देंगे. आगे आते हैं फोर्थ पार्ट पे. ये सेम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होगा यहाँ पे. -68 - 68 -76 यहाँ है लेकिन -76 यहाँ नहीं है. फिफ्थ में देखेंगे -72 + (blank = -72, यानी कि -72 में हमें ऐसा कुछ फिल करना है जिससे हमारा रिजल्ट जो हो -72 आए. तो हमने एक लॉ पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, जिसको हम क्या करते हैं, अगर किसी इंटीजर में प्लस करते हैं तो रिज़ल्ट हमारा सेम रहता है. अगर हमें -72 में कोई वैल्यू फिल करनी है जिससे कि रिज़ल्ट हमारा -72 आए, तो वो ज़ीरो होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी, क्योंकि ज़ीरो प्लस करने से रिज़ल्ट हमारा -72 ही रहेगा. अगला देखेंगे हम, यहाँ पे क्या रखा है, -(-83). यहाँ पे सिंपल हमें सिंबल का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में 83 आ जाएगा. नेक्स्ट सेवेंथ, -60 + (blank) = -59. -60 में हमें ऐसा कुछ माइनस करना है जिससे कि -59 रिजल्ट आ जाए. तो यहाँ पे हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. वन अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें तो हमें पता है माइनस प्लस हमारे माइनस हो जाते हैं, तब जाके हमारा -60 में से प्लस वन होके -59 रिजल्ट मिलेगा. तो अगर हम वन इसमें प्लस करना चाहते हैं तो हमें वन माइनस का रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस सिंबल का मल्टीप्लाई करके ही प्लस वन बनेगा. तो यहाँ जो वैल्यू वन आएगी वो माइनस की आएगी. अगला क्वेश्चन देखते हैं, -31 + (blank) = -40, यानी कि -31 में हमें ऐसा कुछ प्लस करना है कि जो रिजल्ट है हमारा -40 आए. तो हमें मालूम है यहाँ पे हम क्या करेंगे, -9 अगर प्लस कर दें, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ही क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और रिजल्ट हमारा माइनस में ही रहता है. तो इस तरह से 9 और 31 ऐड होके -40 हो जाएंगे. अगला क्वेश्चन देखेंगे 8, ये है सिंप्लीफाई. इसको पहले उतार लेते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं. कर्ली ब्रैकेट -13 - -27 स्मॉल ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट प्लस कर्ली ब्रैकेट -25 - स्मॉल ब्रैकेट -40 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज. तो हमने
अपनी प्रीवियस क्लास में बोर्ड मास का रूल पढ़ा था। बोर्ड मास क्या कहता है कि अगर आपको ब्रैकेट गिवेन है तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट यहाँ पे गिवेन नहीं है, हमें सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। तो देखिए, कर्ली ब्रैकेट को वैसे ही रखेंगे -13, और स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करके +27 लिख देंगे। स्मॉल ब्रैकेट हमारा ख़त्म हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट प्लस, यहाँ से फिर कर्ली ब्रैकेट शुरू होगा -25, और ये माइनस माइनस +40 कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट माइनस प्लस हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 27 में से जब हम 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 27 बड़ा है और -13 छोटा है, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 14 प्लस का। कर्ली ब्रैकेट प्लस, यहाँ देखेंगे हम, यहाँ भी माइनस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा। अब हमें क्या करना है, ये कर्ली ब्रैकेट भी हटा देने हैं, 14 प्लस 15, तो रिजल्ट हमारा होगा 29। चलिए, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 36 माइनस ब्रैकेट -64 एंड -64 -36 को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। पहले इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद आर दे इक्वल, क्या ये बराबर है, हमें ये भी बताना है। तो देखिए, पहले हम दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी 36 माइनस माइनस +64, ये देखेंगे हम, इसका रिजल्ट जो है वो 100 रहेगा क्योंकि प्लस प्लस है। इधर देखेंगे -64 -36, ये हमारा हो गया -100। हम देखते हैं कि दोनों की वैल्यू 100 में आई है, लेकिन ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो हम दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, जैसे कि हमें पहले बोला गया था। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तो हम लिख देंगे दे आर नॉट इक्वल। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।